पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र देश के बाहर पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। इनमें कई डेस्टिनेशन जो हैं अब काफी जाने माने हैं, जैसे पिछले कुछ वर्षों में कनाडा में बड़ी संख्या में छात्र गए, आसानी से मिलने वाला वीजा, पढ़ाई के साथ काम का भी इंतजाम और उसके बाद नौकरी की भी उम्मीद, ये सब जो है इसके कारण वहां पर भारतीय छात्रों की संख्या काफी बढ़ी। लेकिन अब नियम बदले हैं, कितने छात्र वहां जा सकते हैं इसके नंबर तय कर दिए गए हैं, उन पर कैप लगा दिया गया है, कितने घंटे काम कर सकते हैं उसको लेकर भी अब कैप लगा दिया गया है, यानी कुछ घंटे से ज्यादा कर नहीं सकते और रहने की वहां पर समस्या बहुत बड़ी है, तो वहां पर अब हालात जो है बदल रहे हैं। दूसरी तरफ इलीगल इमिग्रेशन को देखते हुए यूके जो है वो काफी चिंतित है, तो और बाकी कदम तो वो उठा ही रहा है, बल्कि जो छात्र वहां पर जा रहे हैं उनके वो दुरुपयोग न करें उनके किसी भी प्रकार के वीजा स्कीम का, इसको भी वो देख रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के जो निर्भर है उन पर, उनके जरिए जो लोग जाते हैं, उनके परिवार के लोग, उनके उसमें कुछ कैटेगरीज में उसने कटौती कर दी है। अब ग्रेजुएट वीजा रूल को भी वो देख रहा है। ग्रेजुएट वीजा रूल वो वीजा है जिसमें आप पढ़ाई के बाद 2 साल वहां पर रहकर काम कर सकते हैं। इसके तहत उसने रिव्यू के लिए कहा और रिव्यू जो था वो माइग्रेशन एडवाइजरी कमिटी या फिर मैक को उसने रिव्यू के लिए कहा था। मैक ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, उसमें ये कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र जो हैं वो इस वीजा का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एल्यूमनाई यूनियन यूके ने पीएम ऋषि सुनक को एक चिट्ठी लिखी है, कहा है कि मैक की रिपोर्ट साफ है कि छात्र जो हैं वो इस वीजा रूट का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये सबके हित में है, चाहे यूके हो या फिर छात्र हो, सबके हित में है कि इस वीजा रूट को खत्म ना किया जाए। लेकिन इस पर आगे क्या होगा ये अभी भी देखने वाली बात है। इस सबके बीच ये सामने आ रहा है कि अमेरिका जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्र, खासकर भारतीय छात्रों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। अमेरिकी दूतावास के ही डेटा के मुताबिक अगर हम देखें तो भारतीय छात्र जो कि यूके गए 2021-22 एकेडमिक ईयर में, उनकी संख्या 1,99,182 बताई गई, जबकि यही 2022-23 के एकेडमिक ईयर में बढ़कर 2,68,923 हो गए, करीब मतलब 3 लाख। ये पहले के वर्षों के मुकाबले में कम से कम 40% बढ़ोतरी बताई जा रही थी। 2023-24 के लिए प्रोजेक्शन जो है उसके मुताबिक जो भारतीय छात्र जा रहे हैं अमेरिका पढ़ने के लिए, उनकी संख्या करीब 5 लाख हो सकती है। वहां क्यों जाते हैं छात्र? वो इसलिए क्योंकि वहां कई जाने माने यूनिवर्सिटीज हैं, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कई जाने माने कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, और वहां पर पढ़ाई में निवेश करना छात्रों को लगता है कि एक बेहतर चॉइस है। कहां पर कितना खर्च होगा उसके भी अलग अलग लेवल्स के भी यूनिवर्सिटीज हैं, और कई बार आसानी से एडमिशन जो है वो हो भी जाता है, तो छात्रों को लगता है कि यहां पर पढ़ाई में निवेश करना बेहतर होगा। इसीलिए यहां पर लगता है कि संख्या जो है अमेरिका जाने वाले छात्रों की वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन वहां पर भी इलीगल इमिग्रेशन को लेकर अब धीरे धीरे कड़ाई जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन छात्रों के लिए अभी भी काफी वो वेलकमिंग है, खुला हुआ है। हालांकि और भी कई देश जो हैं, जैसे कुछ सेंट्रल एशियन देश हैं या फिर कुछ यूरोपियन देश हैं, और खासकर ऑस्ट्रेलिया पिछले कुछ वर्षों में काफी पसंदीदा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का जो भारत से जाकर बाहर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए होता जा रहा है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।